आज आप लोगों को कंसाइनमेंट का ये थर्ड वीडियो डाल रहा हूँ। सर, इस वीडियो में पहले वीडियो में क्या सिखाया था? पहले वीडियो में ये सिखाया था व्हाट इज ए कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट कैसे होता है, कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या मेन वर्ड होता है, ये सारा चीज मैंने आपको पहले वीडियो में सिखाया था। सर, सेकेंड वीडियो में क्या सिखाया था? सेकेंड वीडियो में आपको पहले वीडियो में दो चीज सिखाया था कंसाइनमेंट के बारे में। क्या सिखाया था? कंसाइनमेंट क्या होता है, कैसे होता है, ये सिखाया था। और प्लस इसमें दो चीज और निकालना सिखाया था, उसका नाम था कमीशन। कमीशन कितने टाइप का होता है, क्या क्या होता है, ये भी सिखाया था। कमीशन आप लोग सीखा होगा बचपन में, बचपन मतलब जब ये चैप्टर स्टार्ट किया उस समय, तीन टाइप का था, एक नॉर्मल, दूसरा ओवरराइडिंग और डायरेक्ट कमीशन। है ये नॉर्मल कमीशन नॉर्मल सेल प्राइस पे मिलता है, ये क्या होता है, नॉर्मल प्राइस से जो एक्स्ट्रा, नॉर्मल सेल प्राइस से जो एक्स्ट्रा रेट में बेचोगे उसके कारण मिलता है। ये क्यों मिलता है? रिस्क, रिस्क बैड डेब्ट का रिस्क ले लेता है, यानी क्रेडिटर से मैं पैसा कलेक्शन करके दे दूंगा, उसके अगेंस्ट जो कमीशन देता है उसको हम डायल कार्ड कमीशन बोलते हैं। ये यहाँ तक हमने सीखा था। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाया था, ये सारा एक बार मैं डिलीट कर लेता हूँ, लास्ट क्लास का इसमें ये सारा है, अब खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को सिखाया था, अब उसके बाद मैंने एक एक्सपेंस के बारे में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। इसमें जो भी एक्सपेंस होता है उसको दो भागों में बांटा गया था, दो टाइप से नहीं, एक डायरेक्ट था डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कहानी हर एक चैप्टर में बदलता रहता है। आप लोग को एक बुक सिखाऊंगा, बड़े हो जाओगे, उसमें बुक में होता है एक कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ अलग भाव से बोला जाता है, अलग स्टाइल में बोला जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग स्टाइल में बोला गया। यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस पर्पज से ये बाइफरकेट क्यों किया था, क्योंकि हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन वैल्यू करना होता है, वहां पे हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चा की जरूरत होता है, उसमें क्लोजिंग स्टॉक के लिए कौन सी खर्चा की जरूरत था, सिर्फ डायरेक्ट, इसीलिए हम ये डायरेक्ट एक्सपेंस को बाइफरकेट करा था। मोटा मोटा ये सीखा था डायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोलते हैं, जो नॉन रेकरिंग नेचर हो। क्या हो? नॉन रेकरिंग नेचर हो। नॉन रेकरिंग नेचर का मतलब जो एक ही बार हो, सिंगल टाइम एक्सपेंस हो। ये क्या होता था, रेकरिंग नेचर, वही खर्चा जो बार बार होता है, तो उस खर्चा को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। कोई हम जब क्लोजिंग स्टॉक निकाल देते, क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हमने फॉर्मूला सीखा था, नहीं, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट इनटू अनसोल्ड स्टॉक यूनिट, नहीं, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट क्या लेते थे, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट आता था। इससे क्या आता था, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आता था, नहीं, जो मान लो ये मार्कर बनाया हो, ये मार्कर है, इसकी कॉस्ट क्या लगा, प्लस इसमें खर्चा भी जोड़ते थे, कौन सा खर्चा जोड़ते थे, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस डिवाइड बाय टोटल यूनिट इनटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट होता था, इन दोनों को जोड़ के जो आता था उसको हम क्या बोलते थे, क्लोजिंग स्टॉक बोलते। हमने लास्ट क्लास तक यहाँ तक डिस्कस किए थे, लास्ट दो वीडियो में इसके ऊपर पूरा डिटेल से चर्चा किया गया। आप लोग को ना समझ में तो उस वीडियो में भी देख सकते हो। आज इसके आगे सिखाता हूँ, जो कि आज भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आज ये चैप्टर सीख जाओगे तो ये चैप्टर सोचो 90% खत्म हो गया है, एक 10% के लिए एक छोटा सा चीज बच जाएगा। तो सर, सर क्या सिखाओगे, सर बताओ ना क्या सिखाओगे। अरे भैया, जिसके लिए ये बुक नाम है वही चीज नहीं सिखाया हूँ, अभी तो मैथमेटिकल सिखाया था, वो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, ये चीज ये थ्योरी पढ़ा रहा था, आज सिखा रहा हूँ इसको हम क्यों सीख रहे हैं, ये चैप्टर में क्या करना है। हमारा काम ये मुनीमगिरी करना, तो मुनीमगिरी में अकाउंटिंग एंट्री कैसे करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इससे प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, वो सिखाऊंगा। इसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कितने ना, क्या नाम है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। थोड़ा इसके लिए थोड़ा हम और बेसिक अपना थोड़ा माइंड में बनाते हैं, जो क्या सोच के क्या एंट्री करना है, कैसे करना है, ये सोचना, ठीक है। सर सोचो, सर सोचो, हम लोगों को भी कुछ सोचवाओ, जो कैसे कैसे सोच के आप एंट्री करोगे, ये क्या बनाओ, क्या बनाओ, देख रहे धुआं वुआं निकल रहा है, इसका मतलब ये क्या मानो, ये फैक्ट्री है, ये क्या है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री है, यानी ये फैक्ट्री का मालिक है, ये अपना ये फैक्ट्री में सामान बनाएगा, नहीं,
सामान बना के ये क्या करेगा, इस सामान को कंसाइन करेगा। कंसाइन का दूसरा नाम क्या होता है, सेंट कर करेगा। देगा, सेंट कर देगा डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, नहीं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे सेंट कर देगा। क्या करेगा, यहाँ से सामान बनाएगा और इसको यहाँ पे सेंट कर देगा, इसके घर, इसके दुकान पे, इस दुकान पे, इस दुकान पे सेंट करता रहेगा, नहीं कोई डाउट। अब यहाँ पे भेजते वक्त इसको कुछ एक्सपेंस भी आता है, नहीं कुछ एक्सपेंस भी करता था, यही कहानी था ना। यहाँ भेज रहा है तो उसमें कुछ उसको एक्सपेंस लगता था। एक्सपेंस में क्या क्या होता था, फ्रेट होता था, ने कार्टेज होता था, लोडिंग होता था, ने इंश्योरेंस चार्ज कराना पड़ता था, ये सब खर्चा कौन कर रहा था। अब इसमें दो पार्टी हो गया, एक तो ये खरीद ये बनाने वाला, एक दूसरे को कंसाइनर बेचने वाला, इसको हम कंसाइनर बोलते थे। क्या बोलते थे, कंसाइनर, कंसाइनर बोलते थे इसको, हम क्या बोलते हैं, कंसाइनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसाइन। तो ये बेचता था, ये इस सब खर्चा करके इसके गोडाउन में माल आ जाता था, गोडाउन से ये भाई साहब क्या कर देता था, सेल करता था। क्या क्या काम, एक स्टेप देखो क्या क्या हुआ। सबसे पहला काम, कंसाइनमेंट स्टार्ट होने के लिए कोई माल को उसने भेजा होगा किसके पास, कंसाइनी के पास सबसे पहला। तो अगर मान लो ट्रांजेक्शन देखा जाए तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या होगा, माल भेजने का, किसका, किसके घर, कंसाइनी के घर, किसके घर, पहला काम। दूसरा, माल भेजते वक्त खर्चा आएगा, ये कौन करेगा, कंसाइनर करेगा। क्या करेगा, कंसाइनर करेगा। दूसरा काम क्या होगा, एक्सपेंस का। अब तीसरा काम, दो काम तो समझ में आ गया, पहला काम, सबसे पहला काम यहाँ से ये माल लेके यहाँ तक भेजा, ये पहला काम। तो दूसरा काम क्या हुआ, इस दूसरा काम क्या, ये एक्सपेंस भी बुक कर लेगा। तीसरा काम क्या होगा, अब क्या होगा, माल इसके घर आ जाएगा, नहीं इतना में इसके माल सारा खर्चा करने के बाद इसके घर में माल आ जाएगा। माल आ जाएगा तो ये भाई साहब भी कुछ एक्सपेंस करेगा, नहीं क्या करेगा, जैसे गोडाउन रेंट देगा, सेल एडवर्टीजमेंट करेगा, अनलोडिंग करेगा, खर्चा ये भी करेगा, नहीं ये कुछ खर्चा करेगा प्लस। अब फिर खर्चा करने के बाद माल गोडाउन में आ गया, ये क्या करेगा, सेल करेगा, नहीं सेल करेगा कैसे, कैश या क्रेडिट करेगा, नहीं कैश या क्रेडिट करेगा, दो ही सेल करेगा, नहीं कैश में करेगा या क्रेडिट में करेगा। सेल करने के बाद फिर क्या होगा, सेल कैश में करेगा क्रेडिट में करेगा, कैश सेल करेगा तो इसके पास पैसे आ जाएगा, क्रेडिट सेल करेगा तो 2 दिन के बाद पैसे आ जाएगा। पैसे आने के बाद ये क्या करेगा, अपने पास रखेगा क्या, इसको कंसाइनर को वापस कर देगा पैसे, क्या कर देगा, पैसे दे देगा, फिर उसमें से अपना कमीशन उमीशन ले ले। कोई डाउट नहीं, सुन। तो मोटा मोटा ये इतने ही कॉन्सेप्ट होगा। इसी बीच में अब क्या होगा, ये माल गया, इसने माल बेचा, खर्चा उर्चा करके, दोनों दो तरह खर्चा हुआ, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, यहाँ पे कुछ इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। तो अगर ये मान लो प्रॉफिट निकालेगा तो कैसे निकाले, मोटा मोटा एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक बच्चे को मैंने अपना मोबाइल फोन बेचने के लिए दिया, मैंने मोबाइल खरीद लिया था तो उसको कहा कि भैया मेरा मोबाइल बेच दो, तो मेरे मोबाइल 10,000 का लिया था, कितना लिया था, 10,000 का, ठीक है। अब उसको लाने उने का खर्चा मान लो 500 रुपया और लग गया, तो मोबाइल का वैल्यू कितना हो गया, 1500, कितना हो गया, 1500। फिर वो मोबाइल ले गया तो यहाँ पे भी 100 रुपया और खर्चा हो गया, तो मोबाइल का वैल्यू कितना होगा, इसके घर तक पहुँचने में कितना होगा, 10,600 का हो गया, 100 रुपया और खर्चा हो गया लेते वक्त। अब क्या हो गया, फिर ये भाई साहब बेचेगा, जिसमें पैकिंग वोकिंग कर दिया, क्या किया, पैकिंग का खर्चा किया, तो वो 400 रुपये लग गया, कितना लग गया, 400, तो कितना हो गया, 11। 11,000 का माल ये इसने, है ना, 11,000 माल इसमें खर्चा ही लग गया टोटल। अगर ये कितना बेच दिया, 15,000 में, कैश में बेच दिया 15,000 में, कितना बेच दिया, 15,000 में, उसमें से उसको 1,000 कमीशन भरा, तो मेरे घर में कितना आया, 14,000, तो मेरे लिए प्रॉफिट कितना हुआ, 3,000। कैसे हो गया, क्योंकि 11,000 का तो इसका लागत ही बढ़ गया था, क्या हो गया, लागत, उसको 15,000 में बेचा हो, कितना बेचा हो, 15,000 में बेचा हो, कितना बेचा हो, 15,000, 1,000 तो इसको कमीशन ही दे दिया, तो कितना बचा, 14,000 का मान लो सेल प्राइस हो गया, 11,000 का सामान कितना बेच दिया, 14,000, तो 3,000 का हमने प्रॉफिट किया, तो अर्ली निकाल दिया लोग, नहीं तो इसी को अकाउंट के टर्म में कैसे करेंगे, अकाउंट के टर्म में ऐसे नहीं कर सकते थे आप लोग, ऐसे कर देते, पहले माल भेजा, कितने का भेजा, ये माल कितना, 10,000 का माल था, नहीं 10,000 का कॉस्ट था, नहीं फिर उसमें 500 का खर्चा लगाया,
ये क्या था, प्रोडक्ट का कॉस्ट था, ये प्रोडक्ट का कॉस्ट है, नहीं रे प्योरली अपने हिसाब से कर रहा हूँ। फिर ये क्या किया, एक्सपेंस किया, नहीं ये 500 रुपये यहाँ पे भी 100 रुपये एक्सपेंस हुआ, नहीं पहले 100 का एक्सपेंस और हो गया, ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर 400 का और एक्सपेंस ही हो गया, नहीं पैकिंग वाला खर्चा, फिर क्या हो गया, ये सेल हो गया, नहीं सेल कितने का हो गया, 15,000 का, नहीं फिर यहाँ पे क्या लग गया, एक और कमीशन लग गया एक्सपेंस वाला कमीशन 1,000 का, यहाँ नेट प्रॉफिट नहीं आ गया क्या, क्या आ गया, नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 3,000 का। अगर कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा होता तो यहाँ लिख देते क्लोजिंग स्टॉक, नहीं अगर दो बेचा होता, एक बिका होगा एक नहीं बिका, तो क्लोजिंग स्टॉक में डाल देते, तो यही एक अकाउंट बनाने। लेकिन अब जो ये अकाउंट तो एक ही बनाना है, लेकिन इन सब का नाम जो ऐसे लिखा ना, इसका नाम बदल दूंगा, क्यों, चैप्टर अलग भाई साहब, क्या चैप्टर अलग है, इसका नाम का मैं अलग अलग दूंगा। ऐसे तो आपको ये बात समझ में आ गया, ये क्या बनायो, एक प्रकार का बताओ क्या बनायो, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बना दिया, नहीं यही किया हो ना, इधर बाय सेल बाय क्लोजिंग स्टॉक, इधर सारा एक्सपेंस डाला, तो ट्रेडिंग पीएनएल ही बनाया हो ना। लेकिन ये चैप्टर कौन सा है, इसका नाम ट्रेडिंग पीएनएल नहीं डालूंगा, ट्रेडिंग पीएल नहीं डालूंगा, नाम भी बदल दूंगा, हाँ कुछ भी नाम बदलूंगा, नाम बदलूंगा, वो नहीं नाम रहेगा, यानी हर चीज चेंज आएगा, चैप्टर के अकॉर्डिंग ये चेंज शक्ल होता है, होता तो वही चीज है, क्या है? अब सुनो, अब जैसे ये सेल किया होगा, क्या ये जो कंसाइनर है वो कस्टमर को जानता है क्या, नहीं, नहीं जानता है ना, नहीं। तो ये सेल किया तो ये सेल वाला पैसा किससे मांगेगा, कस्टमर से, कंसाइनी से मांगेगा, किससे मांगेगा, कस्टमर से नहीं मांगेगा, पूछो क्यों, क्योंकि जानता ही नहीं, देखा ही नहीं। तो जितना सेल हुआ तो कितना, यह सेल के जगह अब सेल नहीं लिखेगा, ये क्या लिखेगा, कंसाइनी लिखेगा, क्या लिखेगा, अगला बात समझ, सेल के जगह सेल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो खुद उसके लिए सेल थोड़ी है, वो तो जितना सेल किया वो कंसाइनी बोलेगा, जब मैं इतना तो कहे भैया तेरे अकाउंट को मैं यहाँ से लूंगा तेरे से पैसा, या हम मन में सोचेंगे क्या है, ये सेल है, मन में क्या सोचेंगे, नाम पे नहीं जाना है, नाम तो लिखेंगे इस चैप्टर के कारण, यहाँ पे लिखेंगे कंसाइनमेंट, क्या लिखेंगे, नहीं कंसाइन, कंसाइन ही लिखेंगे, लेकिन मन में क्या सोचेंगे, दिस इज ए सेल, लिखा रहेगा क्वेश्चन में कंसाइनमेंट, लेकिन वो हम क्या सोचेंगे, सेल, सेल है, अगला बात समझ। अब यहाँ खर्चा हुआ, ये खर्चा तो डायरेक्ट एक्सपेंस था, नहीं ये दो, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस था, ये बाकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस था, अब ये खर्चा किसने किया, कंसाइनिंग, तो ये पैसा उसने सेल किया तो उससे पैसा मांगूंगा, अगर इसने वो खर्चा किया तो कहेगा ना मेरे खर्चा भी वापस करो, ये खर्चा का नाम खर्चा भी नहीं लिखेंगे, इसका भी नाम कंसाइनी ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अगला बात समझ, कुछ चीज आ रहा है समझ है, क्या आ रहा है, कंसाइनी, देखो ये यहाँ पे सेल का जगह कंसाइनी क्यों लिखा, कंसाइनी से पैसा लेना, ये खर्चा कंसाइनी ने किया तो क्या करेगा, अगर इससे उसका अकाउंट बढ़ा दियो तो इससे उसका अकाउंट घटाओगे भी ना, नहीं दीदी ऐसे अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं होता, अब सेल तो कहते हो सर सेल में से ऐसे खर्चा कर लेते 10,000 करके 1,000 करके, हाँ माइनस कर, वो नहीं जो नेट हो उसी करके, हर एक चीज का प्रॉपर शो करते दिखता है, अगला बात, तो यहाँ पे हमने ये अकाउंट बनाऊंगा ना तो ये माल भेजा था, अगर इसका नाम बदलूं ये जस्ट लाइक परचेज नहीं हो गया क्या, क्या हो गया, परचेज यही दिखाते थे, परचेज की जगह हमने प्रोडक्ट कॉस्ट लिख दिया था, परचेज ही था ना, फिर यहाँ पे खर्चा लिखते थे, यहाँ फैक्ट्री का खर्चा, जो फैक्ट्री का खर्चा को हम डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिए, और ये क्या होता ऑफिस का और सेलिंग का खर्चा वो इनडायरेक्ट डाल दिए, सब पीएनएल ही है ना, क्या अब इसमें कंसाइनमेंट में सर इसका नाम क्या क्या होगा, तो इस ट्रेडिंग और पीएनएल का नाम नहीं होगा, ये ट्रेडिंग और पीएनएल के जगह इस चीज का नाम होगा कंसाइनमेंट अकाउंट, क्या नाम होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट। सर कंसाइनमेंट अकाउंट का नेचर कौन सा होगा, ट्रेडिंग पीएनएल नॉर्मल नेचर का है, कौन सा नेचर का है, ये कैसे पता लग गया, कैसे पता लगा ये बात, क्योंकि भाई साहब प्रॉफिट लॉस पता लग रहा है, जिस चीज से प्रॉफिट लॉस होता है ना, जहाँ पे इनकम एक्सपेंस दिखाते हैं ना, वो नॉमिनल नेचर का, ये क्या है,
एक्सपेंडिचर, इसीलिए इधर सारा एक्सपेंस आएगा, इधर सारा इनकम आएगा, नहीं आ रहा है, सेल तो इनकम ही है, वही वही चीज है। तो अब इसको इसका नाम क्या बन गया, कंसाइन। अब ये जो परचेज को परचेज नहीं लिखेगा, क्या नहीं लिखेगा, परचेज तो यहाँ किया होगा, परचेज भाई साहब ने इसने यहाँ किया होगा ना, यहाँ तो इसको भेजा है, क्या करा है, क्या करा है, भेजा है, क्या करा है, भेजा है गुड्स को, किस बेसिस पे बेचने के लिए, कंसाइनमेंट बेसिस के बेचने के लिए, नहीं तो यहाँ से तो इसका गुड्स कम हो जाएगा, नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे एक गुड्स बढ़ जाएगा, यही होगा ना, यहाँ से माल मैंने यहाँ भेजूंगा तो यहाँ से गुड्स कम होगा इधर, अगर, और अब देखो दो का दो पार्टी हो गया, एक कंसाइनर हो गया, नहीं एक कंसाइनी हो, तभी हम सारा एंट्री कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू, कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू सिखाऊ, क्या एंट्री सिखाऊंगा, अब ये अकाउंट किसने बनाया होगा वो तो बता, कंसाइनर ने बनाया होगा, कंसाइनी बनाया होगा क्या, नहीं, ये सारा अकाउंट कंसाइनर ने बनाया, ठीक है, कंसाइनर हमेशा अपने बुक में दो अकाउंट बनाएगा, एक तो प्रॉफिट लॉस, एक कंसाइनी अकाउंट भी बनाएगा, क्या बनाएगा, कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी इसके लिए जस्ट लाइक डेटर है, जस्ट लाइक क्या है, डेटर है, जितना माल बेचेगा उससे इधर 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 बढ़ेगा, और इधर इसका डेटर जितना पैसा देना है खर्चा घट के नेट सीडी बच जाएगा, क्या बच जाएगा, नहीं इसका अकाउंट नोट अकाउंट जीरो हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, सारा हिसाब किताब हो जाएगा जीरो हो जाना चाहिए, तो ये डेटर इधर प्लस होगा, इसमें इधर माइनस हो, तो ये हमेशा कंसाइनर है ना, दो अकाउंट बनाएगा, क्या बनाएगा, एक क्या बनाएगा, एक कंसाइनमेंट अकाउंट, एक कंसाइनिंग अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट जस्ट लाइक ट्रेडिंग एंड पीएनएल का जैसा है, और कंसाइनी अकाउंट क्या है, जस्ट लाइक डेटर अकाउंट का, डेटर बन गया इसका। अब मैं इसका जनरल एंट्री सिखाता हूँ, क्या क्या होगा जनरल एंट्री, जो जो मैं बताया था ना उसी का जनरल एंट्री होगा, तो एक एक करके आप लोग भी जनरल एंट्री से लिखो, स्टार्ट करो, लिखो जनरल एंट्री। सर पहले बार तो एक बार सिखाए थे, अब जनरल एंट्री नहीं सिखाए थे, क्योंकि उसमें छोटा लेवल में कहा था, टाइम पास कर दिया था, अकाउंट बनाना सिखा दिया था, फटाफट आप लोग अभी आंसर आंसर निकालना सीख जाओगे, तब मैं ये सिखा रहा हूँ, ये क्या सिखा रहा हूँ, जनरल एंट्री के थ्रू सिखा रहा हूँ। तब लिखो बुक्स ऑफ, पहले लिखोगे हेडिंग में बुक्स ऑफ, बुक्स ऑफ कंसाइनर, क्या कंसाइनर के बुक में क्या एंट्री होगा, पहला है लिखो किस चीज का, सबसे पहला काम क्या किया, कंसाइनमेंट कब, सर गुड्स सेंड का, व्हेन गुड्स आर सेंट या कंसाइन, नहीं कंसाइंड या कह सकते हो डिस्पैच, नहीं डिस्पैच, नहीं व्हेन गुड्स आर सेंट कंसाइन और डिस्पैच, नहीं डिस्पैच करेगा तो क्या एंट्री होगा, गुड्स बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा, नहीं गुड्स घटेगा तो क्रेडिट तो होगा ही, नहीं डेबिट किस कारण हो रहा है, कंसाइनी को, नहीं कंसाइनी को अभी थोड़ी करेगा, कंसाइनी को तो उसी समय अभी पैसा ले सकता है क्या, गुड्स भेज देगा तो उसे पैसा मांग सकता है, तेरा अधिकार है क्या, मांग ही नहीं सकता, टूट फूट गया तभी भी नहीं मांग सकता, जल गल गया तभी भी नहीं मांग सकता, तभी तो उसको डेबिट कर ही नहीं सकता, नहीं तो एक चीज तो हो गया, यहाँ टू लिख दोगे, टू तो ये पता लग गया, गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट, गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट, गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट क्यों लिखा, जैसे क्लियर हो जाए जो हमने गुड्स भेजा हो, नहीं डेबिट क्यों होगा, क्यों भेजने के लिए हमें कंसाइनमेंट के कारण हुआ है, तो कंसाइनमेंट डेबिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंसाइन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ये बात समझ में आया, यानी हमने क्या किया है, जो कंसाइनमेंट कराओ ना इस कारण गुड्स भेजाओ, ये एंट्री हो जाएगा पहला एंट्री। नरेशन वही लिख दोगे, बीइंग गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट, बीइंग गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट लिख ही लो, बीइंग गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट के लिए हमने गुड्स भेजा, समझ में आया सबको, गुड्स घटा इसलिए क्रेडिट कंसाइनमेंट डेबिट क्यों हुआ,
क्योंकि कंसाइनमेंट के लिए तो भेजा था, तो उसका एक अलग से अकाउंट खोल लिया। अब जहां पे दिमाग ना काम करे ना क्या लिखे, वहां कंसाइनमेंट लिखना। कहां पे कंसाइनमेंट कहां लिखोगे, तो दिमाग काम नहीं करे क्या लिखो, तो कंसाइनमेंट के कारण ही हो रहा है। ठीक है, अब भाई साहब गुड्स चला गया चला गया चला गया चला गया, अभी तो गुड्स बना ही था, भेज रहा था, तो भेजने में खर्चा आएगा, नहीं क्या आएगा, खर्चा आएगा। खर्चा दो जने करता है, नहीं एक कौन करता है, एक कंसाइनी, तो लिखो सेकंड, सेकंड लिखो कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनर एक्सपेंस करेगा तो क्या एंट्री होगा बताओ, खर्चा तो खर्चा ही होता है, खर्चा अकाउंट डेबिट, नहीं खर्चा अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन ये खर्चा खर्चा कहाँ हो रहा है, कंसाइनमेंट में, नाम बदल के लिखना है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक लिखो, क्या लिखोगे, तो लिखो एक्सपेंस को हम डेबिट नहीं करेंगे एक्सपेंस नाम से, क्यों हो रहा है, कंसाइनमेंट के कारण हो रहा है ना, हाँ कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जैसे रिवोल्यूशन अकाउंट पढ़ते थे तो रिवोल्यूशन एक्सपेंस होता था, तो एक्सपेंस नाम से थोड़ी बुक करते थे, रिवोल्यूशन के नाम से, ऐसे ही ये किस कारण हो रहा है, कंसाइनमेंट के कारण हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, कंसाइनमेंट। कैश और बैंक चला गया होगा, दिए होंगे ना पैसे, तो इसलिए क्रेडिट हो गया, यही दिमाग यही बोलना है, जहां दिमाग काम नहीं करे कंसाइनमेंट को चिपका। ठीक है, नरेशन लिख दो, बीइंग एक्सपेंस पेड, यहाँ नरेशन में लिख लिया करो ये बात, बीइंग एक्सपेंस पेड। चले आगे, ये हो गया, अब क्या होगा, तीसरा तीसरा एंट, अब क्या करेगा, कुछ खर्चा कंसाइन ही कर देगा, नहीं क्या करेगा, कंसाइनी करेगा, नहीं तो क्या होगा, कंसाइनी एक्सपेंस, क्या करेगा, अब कंसाइनी एक्सपेंस किया तो खर्चा तो है ही ना, खर्चा अकाउंट डेबिट टू कैश, कंसाइनी क्यों, क्योंकि पैसा उसने दिया होगा, हमें से लेगा नहीं, हमारे लिए कम और उसको देना पड़ेगा नहीं, तो क्या एंट्री हो जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि एक्सपेंस है ने, टू कंसाइनी क्योंकि कंसाइनी ने पे कर दिया, मुझे इतना रुपए उसको अब देना पड़ेगा ने, कंसाइनी, अभी लायबिलिटी तो नहीं है, तो हमारा डेटर हाँ, टू कंसाइनी हो गया, क्या हो गया, टू कंसाइनी हो गया, डी एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी। ठीक है, तीसरा चौथा एंट्री, कंसाइनी भी खर्चा कर दिया, अब माल गोदाम भेजा, अब क्या करेगा भाई साहब, ने बेच दिया होगा, सेल हो गया होगा, तो क्या एंट्री करेगा, क्या, अब लिखो गुड्स, गुड्स सोल्ड, व्हेन गुड्स सोल्ड, ठीक है, कैश एंड क्रेडिट, कैश सेल किया होगा तो क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे ना, क्योंकि हम उससे लेना है, हाँ कैश हमारे घर में एक भी रुपया आया है क्या, कैश करे या क्रेडिट करे, हमें पैसे किससे लेना देना है, कंसाइनी से लेना है, किससे लेना है, कंसाइनी, तो क्या एंट्री करोगे, कंसाइनी अकाउंट डेबिट, नहीं टू कंसाइनमेंट, गुड गुड गुड, सब तेज बच्चे हो गए, टू कंसाइनमेंट क्रेडिट हो जाएगा, बीइंग लिख दोगे, बीइंग गुड्स सोल्ड कैश एंड क्रेडिट, ने कैश बेचो या क्रेडिट बेचो, आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना, अगर नहीं है डाउट तो आगे बढ़ते हैं। पांचवा केस,
अब कमीशन पेड किए हो कंसाइनी को, तो क्या एंट्री करोगे? कमीशन ड्यू लिख लो ना, कमीशन ड्यू हो गया, क्या एंट्री होगा? कंसाइनमेंट टू कमीशन, कमीशन नाम लिखेंगे नहीं, किसको देना है? कंसाइन, कि उसको देना पड़ेगा ना, तो क्या एंट्री करो? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, ये भी ड्यू हो गया। नहीं सर, अगला क्या सिखाओगे? सिक्स सिक्स। अब कंसाइनी ने तुझे कुछ पैसा दे दिया, सेल करने के बदले उसने पैसा दे सकता है ना तुम्हें, तो पैसा दिया, क्या एंट्री करेंगे? कैश टू कंसाइन, गुड गुड। लिखो व्हेन कैश कैश और चेक रिसीव, व्हेन कैश और चेक रिसीव, कैश और चेक रिसीव हुआ तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, ने टू टू भूल गया मैं, कंसाइनी टू कंसाइन, ठीक है, छठा भी हो गया। अब सर क्या होगा? अब उसने कैश चेक के जगह बिल्स रिसीवेबल दे दिया, तब ओ कितना नालायक बच्चा। हाँ बी आर बी पी से, और भाई साहब उसे लेना है और उसको टेंशन दे देगी, वही वही कैसे क्या होगा? व्हेन व्हेन क्या होगा? व्हेन बिल रिसीव, क्या लिखोगी? व्हेन बिल्स रिसीव, बिल्स रिसीव, तब क्या एंट्री हो जाएगा? बी आर अकाउंट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, वेरी गुड। हाँ नहीं, पहले डिस्काउंट करा लेते हैं बैंक से, बैंक से क्या एंट्री होगा? करा बैंक अकाउंट, डिस्काउंटिंग चार्ज डेबिट होगा, डिस्काउंट के खर्चा का नाम लिखते ही नहीं थे। अरे यहाँ डिस्काउंट ही लिखेंगे, ये कंसाइनमेंट के कारण थोड़ी हो रहा है। तू भी तुक्का लगाया था, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्ज चार्ज डेबिट टू बी आर। ठीक है कोई बात नहीं, तेरा रिजल्ट में भी सोने लगेगा, सोते हुए दिखेगा। ठीक है, सारा चीज रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अल्लाह अल्लाह, आगे चलें। चलो सर आगे चलो, आगे चलो सर। लो अब सुनो, जब जब बैड डेप्ट हो जाए विदाउट डेल कार्ड कमीशन, क्या एंट्री होगा? हमारा क्या फोर बैड डेप्ट के लिए करते हैं, बैड डेप्ट, बैड डेप्ट विदाउट विदाउट डेल कार्ड ने डेल क्रेडर, तब क्या होगा? अगर डेल क्रेडर ने जरा बैड डेप्ट हुआ तो क्या एंट्री होगा? खर्चा तो हुआ ना, तो खर्च, हाँ कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू टू कंसाइनी, कंसाइनी उतना कम पैसा देगा ना, कहेगा भैया आप सेल तो कर दिया हो, नहीं मिल रहा है तो हम थोड़ी दूंगा, बैड डेब्ट हो गया तो उतना से हम कंसाइनी को कम कर लेंगे, कंसाइनी। ठीक है, विथ डेल कार्ड बैड डेब्ट हो गया तो विथ डेल तो क्या एंट्री करेंगे? बिल्कुल सही बोली, नो एंट्री। क्या होगा? डेल कार्ड दे रहा है तो हमें टेंशन थोड़ी है, कमीशन तो दे ही रहे हैं तो हमारे पास थोड़ी पैसे होगा। ठीक है, आया सबको समझ में? आए आराम से उतार लो, मैं मिटाया नहीं, जो कहोगे दिखा सकता हूँ।
दिखाऊं ऊपर से दिखाऊं? सारा सुविधा उपलब्ध, हाईटेक बना देते हैं, आराम से उतारो, कोई जल्दीबाजी नहीं, हम छोटा भी बना सकते हैं इसको, ठीक है। चले आगे, कितने एंट्री हो गया? दस हो गए। हाँ, अब दसवां लिखेंगे। डेल कार्ड का तो सिकारे पार्ट ए भी है, दसवां लिखेंगे। थोड़ा कलर चेंज करके लिखता हूँ दसवां, मेरे पास वैरायटी कलर है, ठीक है। दसवां इतना वैरायटी नहीं होगा, ठीक है। हाँ देख, दसवां 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 देखिए दसवां। हाँ क्या कर रहे हैं, दसवां किस चीज का एंट्री सिखा रहे हैं? अगर फोर गुड्स टेकन बाय लिखो हेडिंग। हेलो, हाँ आ रहा हूँ रे, अभी तो मैं आधा घंटे बाद आ पाऊंगा। लिखो फोर द गुड्स, नहीं कलर चेंज हो जाएगा अपने आप जैसे बदलेगा ना। हाँ, टेकन बाय द कंसाइन, देख रहे कितना कलर है, तो क्या एंट्री हो जाएगा? क्या गुड्स टेकन बाय कंसाइनी? हाँ कंसाइनी ने गुड्स ले लिया, कंसाइनी ने गुड्स हमारा ले लिया पर्सनल यूज के लिए। जैसे जैसे समोसा भेजा था, समोसा खुद ही खा लिया। क्या हो जाएगा? कंसाइनी सेली मानेंगे हम क्या मानेंगे? सेल मानेंगे। कंसाइनी साइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइन मेंट, दिस इज अ सेल फॉर मी। ओके, अब नौ दस हो गया नहीं, अब ग्यारहवा। अब क्लोजिंग स्टॉक का क्या एंट्री होगा? अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड हो जाएगा, अनसोल्ड स्टॉक तो क्रेडिट होएगा। अनसोल्ड स्टॉक का क्या एंट्री होगा? एसेट तो है ना हमारे लिए, एसेट तो है ही ना, एसेट तो डेबिट होता ही है ना, तो अब इसको एसेट का नाम लिख लो। कौन सा एसेट है? कंसाइनमेंट एसेट है। क्या लिखोगे? कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे? कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट नहीं टू कंसाइनमेंट नहीं टू कंसाइनमेंट। ये खुशखबरी बताऊं, बस खत्म ही हो गया, ये कुछ है नहीं। कंसाइनमेंट स्टॉक एसेट एक ही बात हुआ ना, ठीक है। ये था जनरल एंट्री। अब इसका अगर मैं लेजर बनाऊ ना, लेजर तो दो लेजर बनेगा, कितने लेजर बनेगा इसमें? हाँ इसमें उसका बुक अगली क्लास में सिखाता हूँ, कंसाइनी का बुक है ना नेक्स्ट का, इसके ऊपर अभी क्वेश्चन कराता हूँ, उसका बुक अगली क्लास में सिखाऊंगा। तो इसमें दो अकाउंट बनेगा, एक क्या बनेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट। लेजर बनाओगे तो ऐसे बनेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट ने ये भी बनेगा फॉर द ईयर एंडेड, पर्टिकुलर अमाउंट वही फॉर्मेट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ क्या, पहला एंट्री क्या था? गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट, यहाँ लिखोगे टू गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट, ठीक है। बड़ा बना ले थोड़ा फॉर्मेट, क्या होगा जो जो आइटम आता है, ठीक है। ठीक है, पहला एंट्री
चल एक बार देख लो, फिर बाद में बना लेना, ठीक है? एक बार देख लो, फिर तो समझ ही आ जाएगा, तुम लोग खुद ही कर लोगे सारा। एक बार मेरे साथ देख लो, ठीक है? पहला तो गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट कर दिया, दूसरा काम खर्चा का किया था, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, टू कैश, नहीं कैश या बैंक, ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया था, नहीं डायरेक्ट, ब्रैकेट में लिख सकते हो, ना भी लिखोगे चल जाएगा। फिर भैया जी ने खर्चा किया था, तो टू क्या लिखेंगे, टू टू कंसाइनी, क्या लिखोगे, कंसाइनी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नहीं इनडायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, कमीशन भी हो सकता है, अगर टू कंसाइनी मतलब कंसाइनी लिखा तो यहाँ कमीशन भी लिख सकते हो, नहीं कोई भी कमीशन हो सकता है, नहीं यहाँ तक कोई डाउट, कंसाइनी अकाउंट अभी बनाऊंगा तो बता, यहाँ तक कोई डाउट, यही आ सकता है कंसाइनमेंट में, यही दो चीज आ सकता है, क्या क्या, गुड्स एंड डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और क्या आ सकता है, कुछ भी नहीं आ सकता, इधर तो अब आएगा ना, इधर क्या आ जाएगा, बाय कंसाइनी, नहीं बाय कंसाइनी, हेलो हेलो, आ रहा हूँ थोड़ा देर रुक जा, 5 मिनट रुको, आ रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ क्या हो जाएगा, टू कंसाइनी, क्या हो जाएगा, टू कंसाइनी, और यहाँ पे कैश प्लस क्रेडिट दोनों सेल होगा, नहीं कैश प्लस क्रेडिट सेल, जो भी किया होगा यहाँ आ जाएगा, तो हम तो उतने ही से करोगे इसका डेबिट, क्या करोगे, उतने से ही करोगे ना, और यहाँ क्या हो जाएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ने क्लोजिंग स्टॉक, क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक करके डालो, अब ये इसको जोड़ोगे घटाओगे तो कुछ निकल के आएगा, नहीं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस, इधर इधर क्या होगा, लॉस, इधर क्या हो जाएगा, बाय करके वो समझ में आ गया। दूसरा अकाउंट क्या सीखना है, कंसाइनी अकाउंट, ये बड़ा बच्चा वाला हो गया, इधर बढ़ेगा इधर घटेगा, अब कंसाइनमेंट ने सेल किया तो कंसाइनमेंट मेरा बढ़ जाएगा ना, तो टू कंसाइनमेंट लिख दोगे, क्या लिख दोगे, कंसाइनमेंट, ठीक है? अगर उसने खर्चा किया तो क्या हो जाएगा, बाय कंसाइनमेंट, ने नाम एक ही आना है, टू और बाय, नहीं अगर उसने कैश दे दिया तो बाय कैश भी आ जाएगा, अगर बाय बिल दिया तो बाय बीआर आ जाएगा, नहीं चेक दिया तो बाय बैंक आ जाएगा, जो चीज उससे मिला यहाँ आ जाएगा, नहीं लास्ट में क्या बचा, अगर कुछ नहीं हुआ तो सीडी बच जाएगा, क्या बच जाएगा, सीडी, अगर दे दिया तो सीडी कुछ आएगा नहीं, बैलेंस क्लोजिंग, नहीं उससे उतना पैसा भी लेना है, डेटर है ना हमारा, ये तो डेटर से इतना सेल किया था, इतना ये उतना वो खर्चा कर दिया, इतना पैसे दे दिया, इतने का बिल दे दिया, ये हो गया खत्म, तो हमारा ये स्टॉक है, वो तो इससे पैसे ले सकती है स्टॉक का पैसे, क्या नहीं। वो तो बिकेगा टूटेगा फूटेगा मेरा है, ठीक है? तो आप एक बार ये उतार लो, फिर अगली क्लास में इसका आगे क्वेश्चन भी कराता हूँ, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आज के लिए बस।